अरे 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 कहाँ पे फंसा दिया यार। चलो 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 डॉच करके चलते। To mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your. ऑनेस्टली स्पीकिंग सुबह सुबह सोचा नहीं था कि छत पे इतना ज्यादा धूप रहेगा। अभी बहुत दिनों बाद सुबह जल्दी उठे तो सोचा थोड़ा छत पे टहलने के लिए आ जाओ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बिग थैंक्स टू एवरीवन बिकॉज यू पीपल लाइक्ड एंड अप्रिशिएटेड माय लास्ट सरस्वती पूजा व्लॉग शॉट एट माई ओन स्कूल। अभी तक वो व्लॉग नहीं देखे हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो अभी छत पे आ ही गया हो तो लेट मी शो यू अ प्रॉपर रूफटॉप व्यू। तो चलो चलते हैं। पूरा रूफटॉप व्यू आप लोग देख सकते हो। ये एरिया इज लाइक स्लाइटली कंजेस्टेड, बोथ साइड मार्केट एरिया है। तो वन गुड थिंग इज देयर इज नो सच टॉल बिल्डिंग, सो कोई व्यूइंग ऑब्स्टेकल कुछ नहीं है। आपको पूरा व्यू दूर दूर तक दिखेगा। दैट इज द वेस्ट साइड। सो शाम के टाइम पे वहाँ पे आपको सनसेट भी दिखेगा। तो दोज़ हू डोंट नो, आई एम स्टेइंग एट दिस G+4 अपार्टमेंट फॉर द लास्ट 2 years विथ माई पेरेंट्स। ऊपर ये चढ़ के भी व्लॉग कर सकता था। यहाँ पे भी अच्छा सेटअप है एंड देयर इज अ लैडर टू जस्ट क्लाइंब अप। बट द थिंग इज सेफ्टी फर्स्ट, तो चढ़ना नहीं है। इधर से ही मैं आप लोगों को वो पूरा व्यू दिखा दिया। ऊपर चढ़ के भी अच्छा व्यू आएगा। सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट ऑफ शूटिंग दिस व्लॉग। दोज़ हू नो मी वेरी वेल दे नो आई एम मोर इन टू ट्रैवल व्लॉगिंग। बट आज का ये व्लॉग मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ, जो आगे जाकर मैं बहुत सारे वीडियो में उसको यूज़ भी करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सो दिस इज द ब्रांड न्यू GoPro हेड प्रो हेड स्ट्रैप, व्हाटएवर यू कैन से। सो एक्चुअली मैं इसका अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ जब मेरे को ये मिला था। नाउ लेट मी शो यू फर्दर। सो इफ यू गिव अ क्लोज लुक यू कैन सी इट्स बेसिकली ए एडजस्टेबल ब्लैक स्ट्रैप विच इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी फाइबर एंड प्लास्टिक। इसका अगर लेंथ देखा जाए तो इट इज अप्रॉक्स 17 सेंटीमीटर, विड्थ इज अराउंड 5 सेंटीमीटर एंड वेट इज क्वाइट लाइट, इट्स अराउंड 80 ग्राम एज मेंशन्ड इन द बॉक्स। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू वेयर दिस। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट पहन के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, एक एक्शन कैमरा जो मेरे पास ऑलरेडी है Hero 7, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने उसको हाउसिंग केस जो आता है Hero 7 के साथ उसके अंदर इसको माउंट कर दिया है। और एक चाहिए ये माउंटिंग करने के लिए स्क्रू, जो बेसिकली आप लोग जब GoPro खरीदते हो उसके साथ ही पैकेट में ये आएगा। तो मैं इसको अभी दिखाता हूँ कैसे इसको लगाना चाहिए। ये जो यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे बराबर इसको अंदर डाल दी, इधर से ये स्क्रू इसके अंदर ही फिट करूँगा। मैं इसको अभी यहाँ पे पहन के बताता हूँ। मेरे को एक्चुअली 30 सेकेंड लगा ये पूरा फिट करने में, स्क्रू लगा और उसके बाद ये सर हेड पे डालने के लिए, बहुत ही सिंपल स्टेप से। एक और बात, ये जो फील्ड ऑफ व्यू आप लोगों को दिख रहा है इसको आप आराम से ऐसे नीचे ऊपर करके यू कैन एडजस्ट एट द सेम टाइम यू कैन क्लिक फोटोज एंड वीडियोज एज वेल। नाउ कमिंग टू द अदर फैक्टर लाइक द प्राइस पॉइंट, तो मैंने जब इसको खरीदा फ्लिपकार्ट से तो इसका प्राइस था एग्जैक्ट 260 रुपीज। तो और भी अदर सारा प्रोडक्ट था, मैंने जब चेक किया तो प्राइस था 300, 350, 400। तो मैंने देखा ये 260 में जो एग्जैक्ट काम ये कर रहा है अदर प्रोडक्ट भी सेम कर रहा है, रिव्यू ऑलमोस्ट सेम है। तो ये बेसिकली आता है फ्रॉम टेक लाइफ सॉल्यूशंस। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैंने बोथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट का इसका लिंक मैंने डाल दिया, दोनों वेबसाइट में इसका प्राइस है 260 रुपीज। सो यू कैन डायरेक्टली परचेस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। सो इफ यू फील स्लाइटली अनकंफर्टेबल व्हाइल वेयरिंग दिस ऑन योर फोरहेड यू कैन यूज ए नॉर्मल कैप ऑल्सो। वो कैप के ऊपर ये स्ट्रैप को बांध के भी आप सेम काम कर सकते हो। सो आई एम डन विद द अनबॉक्सिंग एंड ऑल द डिटेल डिस्क्रिप्शन। नाउ आई नीड टू डू ए प्रॉपर आउटडोर टेस्ट, उसके बाद ही मैं इसका प्रॉपर रिव्यू कर पाऊंगा। सो फॉर दैट यू नीड टू वॉच आउट दिस वीडियो टिल द एंड। So right now I am all set to do a proper output test of this new GoPro head strap or head mount, whatever you can say. Now it's 4:30 in the evening and I'll be riding my new Honda Activa 6G scooter. Let's स्टार्ट दिस। मैं इस तरफ से साइड लूँगा। तो मैं एक्चुअली जानबूझ के मैं ये टाइम चुना ये टेस्टिंग के लिए। मैं सुबह 10 या 11 बजे भी चूज़ कर सकता था बट उस टाइम पे रास्ते पे बहुत भीड़ रहता है। मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी, मेनी ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स, मैं इतने जगह पे घूमता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ, देन वाई आई एम नॉट शूटिंग ए प्रॉपर डेडिकेटेड ट्रैवल ब्लॉग ऑन माई ओन होम टाउन। सो या थैंक्स फॉर द सजेशन। तो अभी के लिए तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई डेडिकेटेड ट्रैवल ब्लॉग नहीं है मेरा होम टाउन का। आगे जाके पक्का कोशिश करूँगा एक प्रॉपर डेडिकेटेड वे पे मेरा होम टाउन का एक ब्लॉग बनाने के लिए। और ये एक पार्क है तो पार्क में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है आज मेरे को। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ एक दोस्त से मिलने,
तो उसको पिक करके मैं आगे ये ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा, जिस वजह से मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ। अभी रास्ता एकदम खाली है, सबसे एडवांटेज यही है इसका प्रॉपर एक टेस्टिंग करने का। आई फॉरगॉट वन थिंग, एक मिनट रुकना पड़ेगा। एक्चुअली हॉल्टेड फॉर 2-3 मिनट। अभी तक मैंने फुटेज लिया उसका, ठीक से ये कैप्चर कर रहा है कि नहीं, बिकॉज सारे जो ये सेटअप है ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो नीचे कर दूँ तो पूरा एकदम रस्ते का ऐसा व्यू आएगा, अगर मैं ऊपर रखता हूँ पूरा स्काई व्यू आएगा। तो यू नीड टू सेटअप दिस थिंग एज स्ट्रेट एज पॉसिबल, मतलब एकदम आई लेवल पे। और इधर एज यू कैन सी मेला चल रहा है। इस मेले पे मैं आया था 2-3 दिन पहले, ठीक ठाक मेला है। तो बीच बीच में आप थोड़ा नोटिस करना, मैं थोड़ा ऊंचे आवाज से बात कर रहा हूँ, थोड़ा हाई पिच वॉइस पे बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं कोई प्रॉपर हेलमेट और ब्लॉगिंग सेटअप यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हेलमेट पे क्या होता है, उसके अंदर एक एक्सटर्नल माइक फिट होता है जो GoPro के साथ आता है, इसके हिसाब से आपका वॉइस ट्रांसमिट करता है। बट अभी मैं कोई एक्सटर्नल माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के टाइम में कोई अगर प्रॉब्लम ना हो उसके वजह से मैं थोड़ा ऊँची आवाज़ से बात कर रहा हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई स्टे एट अ वेरी ब्यूटिफुल पीसफुल एंड स्मॉल होम टाउन नेम्ड शिवडी इन द बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी दोज हु डोंट नो दे कैन गूगल इट एंड सर्च बोलपुर शांति निकेतन। बोलपुर शांति निकेतन से इट्स ऑलमोस्ट 35-36 किलोमीटर माई प्लेस। तो एक वो नियरेस्ट लैंडमार्क है जो आप सब लोगों को समझ में आएगा शायद। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक्चुअली दिस इज द नेक्स्ट डे एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज व्लॉग। एक्चुअली कल क्या हुआ, जिस दोस्त से मिलने गया वहाँ पे कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो वहाँ पे बहुत देर रुकना पड़ा। वैसे मैं चाहता तो ये रात को ये आउटडोर शूटिंग में कर सकता था, बट एज यू ऑल नो एक्शन कैमरा का सेंसर बहुत छोटा होता है, उसी के लिए रात में इतना अच्छा नाइस क्रिस्प और शार्प फुटेज नहीं आता है। तो दैट्स व्हाई आई चोज द डे टाइम कंपेयर टू शूटिंग एट नाइट टाइम। मैं एक्चुअली ये स्टार्ट किया था यस्टरडे इन द आफ्टरनून, उस टाइम पे भीड़ बहुत कम रहता है। देखो अभी जैम लग गया आगे। अरे 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 कहाँ पे फंसा दिया यार। चलो 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 डॉच करके चलते हैं। ये टाइम पे थोड़ा बहुत भीड़ रहेगा, कुछ कर नहीं सकते इसका। अरे 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 आगे और भी बहुत बड़ा जैम है, इस टाइम पे निकलना ही नहीं चाहिए था। तो दिस इज द ओनली रीजन मैं ये टाइम पे निकलना एकदम पसंद नहीं करता। आगे देख सकते हो जैम लगा हुआ है, ये छोड़ते छोड़ते ऑलमोस्ट 5-10 मिनट तो लग ही जाएगा। चलो रुकते हैं यहाँ पे थोड़े देर। आगे तो मैं वैसे भी जा सकता हूँ बट मैं जाऊँगा नहीं, जाना थोड़ा रिस्की है। देखो आगे घुस गया। अरे भाई थोड़ा तो संभल के चलो, सब लोग आगे जाने की जल्दी में है, ऐसा करके कैसे चलेगा। ये हुई ना बात, अभी एकदम खाली रास्ता है, ऐसे रास्ते में चलने में तो मज़ा है। अरे भाई इतना लास्ट मोमेंट पे हाथ दिखाओगे तो कैसे चलेगा। ये लोग कैसे करके चलाते हैं भाई, ठीक से जा भी नहीं रहा है, लोगों को भी जाने भी नहीं देता है। तो एक छोटा सा काम था बस स्टैंड पे, तो वो हो गया एक्चुअली। तो अभी मैं लेफ्ट लेके मार्केट एरिया पे जाऊंगा और 2-3 काम है। यहाँ पे भीड़ कम रहेगा फॉर श्योर, क्योंकि वो मेन रोड है तो उसी के लिए भीड़ ज़्यादा रहता है इस टाइम पे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, जो जो लोग राइडिंग के टाइम पे ओनली वीडियो शूट करना चाहते हैं और दे वांट टू ऐड वॉइस ओवर एट द टाइम ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग, तो उन लोगों के लिए मार्केट पे एक जे शेप माउंट भी आता है। तो जे शेप माउंट इज बेसिकली जे अल्फाबेट शेप माउंट जो यहाँ पे आगे हैंडल पे लगेगा, एंड इफ दे वांट टू ऐड वॉइस ओवर दे कैन ऐड एट द टाइम ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग, तो उसका कुछ इशू नहीं है। तो एक्चुअली मार्केट एरिया पे 2-3 काम था, वो ख़त्म करके फिर से मैं राइड चालू किया। वैसे देखा जाए आज पूरा रास्ता ऐसे ही रुक रुक के चलना पड़ा, ऐसा रुक रुक के चलने में इतना मज़ा नहीं है, पर क्या करें इस टाइम पे तो वो मान के चलना पड़ेगा। राइट नाउ इट्स 11:30 इन द मॉर्निंग एंड अभी भी भीड़ बहुत है, ये 12-12:30 बजे तक ऐसे ही रहेगा।
यार कोई ठीक से ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, एक इधर से घुस रहा है कोई उधर से घुस रहा है, इसी की वजह से इतना सारा रास्ते पे एक्सीडेंट होता है। तो ये जो रास्ता उधर से जा रहा है, इधर से भी मैं घर जा सकता हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हेड माउंट को लास्ट 20-25 मिनट से पहना हुआ हूँ, तो आई मस्ट से कि इट्स टोटली कम्फर्टेबल, कोई भी मेरे को अनकम्फर्टेबल या अनइजीनेस फील नहीं हुआ। आप जितना भी सर को इधर उधर घुमा लो, ये अच्छे से फिट होके ही बैठा है, दैट्स वाई इट्स एडजस्टेबल एंड इट विल फिट फॉर ऑल काइंड ऑफ हेड साइजेस। तो बीच में मैं एक बार रुका था, इसका फुटेज मैं चेक कर रहा था ठीक से ये अलाइन हुआ है कि नहीं और फुटेज ठीक से कैप्चर कर रहा है कि नहीं, वो मैं देख रहा था, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बीच में चेक नहीं किया और बाद में देखा जाए तो ठीक से फुटेज कैप्चर नहीं हुआ है, तो बहुत ख़राब लगता है। तो उसी के लिए बीच बीच में चेक करने भी ज़रूरी है कि फुटेज ठीक से आ रहा है कि नहीं, जस्ट चेक करना है कि आपका फील्ड ऑफ व्यू प्रॉपर है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी नीचे हो जाएगा ना तो पूरा नीचे का व्यू देगा रास्ते का, अगर थोड़ा ऊपर हो जाएगा पूरा स्काई व्यू आएगा, एकदम बीच में अलाइन रखना पड़ेगा जस्ट आई लेवल पे, ये मान के चलो। खाली है रास्ता राइट, हाँ ठीक है चलो। तो मैं आगे जाकर कोशिश करूँगा और भी बहुत सारा ऐसा मोटर व्लॉगिंग आप लोगों के सामने लाने के लिए। चलो ये मेरा घर आ गया, सो आफ्टर यूजिंग इट कंटिन्यूअसली फॉर 2 डेज माई रेटिंग इज 4 out of 5, एटलीस्ट फ्रॉम 260 रुपीज प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अमेजिंग। एंड लाइक आई मेंशन, आई विल बी यूजिंग दिस सेटअप इन माई अपकमिंग ट्रैवल ब्लॉग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेस योर सेल्फ बिकॉज आगे जाके बहुत ही बड़ा एक धमाकेदार ट्रिप आने वाला है। सो आई होप यू पीपल हैव रियली एंजॉयड दिस शॉर्ट रिव्यू ब्लॉग अलॉन्ग विद द टाउन राइड ऑन माई स्कूटी। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल द बॉम वेफेयरर टू गेट नोटिफाइड अबाउट आवर अपकमिंग ट्रैवल ब्लॉग्स। बिसाइड्स यू कैन फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज आई एम रॉय 92। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।